चुकी है। अयोध्या विवाद मामले में पूरी सुनवाई हो चुकी है। आज सुनवाई का आखिरी दिन था, 40वें दिन, लगातार सुनवाई के 40वें दिन मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी थी और आज यह सुनवाई का आखिरी दिन था। अब इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो समय आ चुका है जिसका इंतजार था कि सुनवाई कब पूरी होगी, और वो समय आ चुका है। सुनवाई खत्म हो चुकी है और अब फैसले का इंतजार है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अयोध्या मामले पर सुनवाई खत्म, इस वक्त की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी खबर, अयोध्या मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया है और अब फैसले का इंतजार है। सभी पक्षों की दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अयोध्या मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनवाई पूरी हुई, पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। तो 23 दिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है कि 23 दिन के अंदर इस पूरे अयोध्या मामले का विवाद पर पटाक्षेप हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अदालत ने आज सुनवाई पूरी करने के बाद यह भी बता दिया है कि अगले 23 दिन में ये फैसला भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारे पक्षों की दलीलें सुन करके जजमेंट को रिजर्व किया है और यह स्पष्ट किया है कि 23 दिन के अंदर में इस पूरे मामले पर फैसला आ जाएगा। मोल्डिंग ऑफ ऐसा मुकदमा, वरुण जी, एक ऐसा मुकदमा जो पिछले 150 साल से लंबित था, आप कह सकते हैं कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अपनी सुनवाई पूरी कर ली और अब फैसले का इंतजार हो। दुनिया की सबसे पुरानी विवाद, जो 150 वर्ष से भी ऊपर की विवाद है, उसका पटाक्षेप 23 दिन के अंदर में, आज के बाद से 23वें दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा। 40 दिन की सुनवाई, चाहे हिंदू पक्षी दलील हो या मुस्लिम पक्षी दलील हो, तमाम इतिहासों का ब्यौरा जी। और इसके बीच में सवाल फिर वही है कि उस जगह पर भगवान राम का मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा। देखिए, अब तो सारे मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व हो चुका है, फैसला आना बाकी है, लेकिन यह आप अवश्य मान के चले कि प्रभु श्री राम की यह भूमि है, प्रभु राम श्री राम के जन्म स्थान के बारे में जो भी फैसला आएगा, श्री राम का वहाँ स्थापना अवश्य है। राजीव धवन तो आखिर लाइन में यही कह रहे हैं, राजीव धवन मुस्लिम पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आज जो पूरे दिन में जो घटनाक्रम हुआ, यह दर्शाया गया कि मुस्लिम पक्ष फोर्स फैब्रिकेटेड और इम्प्रूव्ड वर्जन, यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री में प्रस्तुत किया है। उस मामले में आपको दो वाक्य बताता हूँ कि 1861 में जो उन्होंने ग्रांट की बात की, जब 1858 में ही वोट भंग कर दिया गया, तो 1861 में रेजोल्यूशन आई कहाँ से? हिंदू महासभा ने यह डॉक्यूमेंट आज प्रस्तुत किया, जिसका जवाब उन्होंने अपने रिजाइंडर में कुछ भी नहीं दिया है। इससे साफ साबित होता है कि उस प्रश्न से वो बचना चाहते थे। दूसरी बात, जो मैप हम लोगों ने दिया आज अदालत के समक्ष, जो उन्होंने टुकड़ों में फाड़ दिया, ये साबित करता है फ्रस्ट्रेशन कि किस तरह से वो सबूतों को भी नहीं देखना चाहते थे, सबूतों को भी झुठलाना चाहते थे। और इस तरह से मुस्लिम पक्ष अगर अपना मुकदमा जीतना चाहता है तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, उनका फ्रस्ट्रेशन शो करता। वरुण जी, हमारा सवाल ये है कि 2010 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट का फैसला आता है, जमीन को 3 हिस्से में बांटने की बात आती है जी। सभी पक्ष यहाँ आते हैं, 9 साल के बाद सुनवाई होती है और अब मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर भी बात होती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या तय करना है कि क्या टाइटल सूट का बंटवारा हो सकता है या नहीं, या केवल ये जमीन केवल और केवल भगवान राम? देखिए, हम लोगों ने जो अपना दलील दिया है उस दलील में बहुत स्पष्ट है, और सारे हिंदू पक्ष के दलील का सामने वकील बोल रहे हैं, जो एक तिहाई संपत्ति दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मुस्लिम पक्ष को, वह गलत निर्णय था। वो किस तरह से गलत था, कानूनी तौर पर उस निर्णय को सही नहीं ठहराया जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा है और हमें इंतजार करना होगा कि उस पक्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से लेती है। एक बात और, TV9 भारतवर्ष पर हमने लगातार ये बात बताई कि मीडिएशन पैनल में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा छोड़ने की बात कही थी, आज सुनवाई ओवर हो गई है, मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ऐसी स्थिति में क्या मीडिएशन पैनल की उस रिपोर्ट को भी जजमेंट रिजर्व होने के बाद कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, अब मीडिएशन पैनल का रिपोर्ट क्या गया है उसकी प्रति हम लोगों को नहीं दी गई है, हम लोग पक्षकार है, हम लोगों को नहीं दिया गया है, इस बारे में हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब जजमेंट रिजर्व हो चुका है
मीडिएशन पैनल के रिपोर्ट को तभी मान्यता मिल सकती है जब सारे पक्ष जितने भी पक्षकार हैं उस पर एकमत हो सहमत हो तभी, अन्यथा जजमेंट पर ही सबों को भरोसा है और जजमेंट का हमें इंतजार करना चाहिए। तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद आप जाहिर कर रहे हैं, बार बार ये हो रहा है कि उम्मीदें क्या है आपकी? हम सबों को अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही सारे रास्ते निकलेंगे जी। और ये लास्ट में जो टाइम अलॉट किया गया था कि एक एक आखिरी घंटे का वक्त मिलेगा, अलॉटमेंट होगी, उसमें फिर क्या रही? देखिए, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने अपना रिजाइंडर रखा, उनके सारे जो तथ्य थे वो उन्होंने प्रस्तुत कर दी थी, इसीलिए अभी जो है उस सारे आर्गुमेंट को कंक्लूड कर दिया गया, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। देखिये, साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से ये तमाम बातें रख रहे थे वो। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब बस फैसले का इंतजार है। 6 अगस्त से लगातार हो रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो चुकी है, आज 40वां दिन था और इस 40वें दिन की सुनवाई के साथ ही अब इंतजार सिर्फ फैसले का रह गया। और खास बात यह कि आज के इस सुनवाई के बाद एक तारीख और निकलकर सामने आ रही, तकरीबन 8 नवंबर की तारीख होगी, क्योंकि 23वें दिन तक फैसला आने की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23वें दिन तक फैसला आ जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। और अयोध्या मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, देश की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर कि मामले पर अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, सुरक्षित रखा गया है फैसला, और इस पूरे मामले को लेकर अब 23 दिन बाद फैसला सामने आ जाएगा। 23 दिन तक फैसला सामने आने की पूरी उम्मीद यहां पर वकील साहब बता रहे थे। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो 134 साल पुराना यह विवाद जब सामने आया और दशकों निकल गए, पीढ़ियां बदल गई, इस पूरे मामले को लेकर अब अंतिम फैसला आने जा रहा है। अंतिम इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर 2010 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट का फैसला आया था और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 23 दिन में। आसिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आसिफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से आसिफ जी मीडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आसिफ, 23 दिन का इंतजार करना होगा, फैसले की घड़ी सामने आ गई है। बिल्कुल, बेशक मैं आपको बताऊं कि सबसे जो बड़ा देश का पूरा सबसे बड़ा ये जो मुकदमा चल रहा था उसका फैसला अब निर्धारित कर लिया गया है कि 23 दिनों के अंदर निर्धारित कर लिया गया है कि अब उसका फैसला आएगा। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरीके से गहमा गहमी बनी हुई है, देश नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मीडिया हाउसेस के लोग यहां पे मौजूद है, उसके अलावे यहां वकीलों का जत्था यहां मौजूद है, उसके अलावे यहां पे तमाम पक्षों के लोग भी यहां मौजूद है। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये इस पर दुनिया भर की निगाहें, अजी मीडिया लगातार महाकवरेज कर रहा है और महाकवरेज के जरिए हम एक एक पल की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, हम पल की जानकारी अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि बारीकियां किस तरीके से हैं। अब ये समझना होगा कि क्योंकि जिस तरीके से लगातार आज का वक्त निर्धारित किया गया था, ये बताया गया था कि एक घंटे के लिए फाइनल कंक्लूडिंग राजीव धवन को मिलेगा और राजीव धवन ने अपनी तमाम कंक्लूडिंग में अपनी अपनी सारी बातें रखी है, उसके बाद वक्त अब तय कर लिया गया है कि 23 दिनों के अंदर अब फैसला आएगा। और ये भी कहा गया है घुस के पूजा पाठ कर रहे थे इसलिए हिंदुओं का वहां पे कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं हो सकता। लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही जी, आपसे अपनी पूरी बात करिए, 23 दिन का और इंतजार बाकी है और एक घंटे का जो समय दिया गया था उसमें राजीव धवन ने भी अपनी सारी बातें रखी लगातार। देखिए बिल्कुल बेशक, मैं आपको बताऊं कि तमाम तरह की कोशिशों के बाद जो कोशिशें थी और जो लगातार अपनी अपनी जिरह रखने का तरीका था, जो पूरा जिरह हुआ उन 40 दिनों तक, आप समझिए कि सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा मुकदमा था ये, जिसका फैसला अब निर्धारित हो गया है कि 23 दिनों के अंदर इसका फैसला आएगा और फैसला बहुत अब किसके पक्ष में आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये साफ तौर पर है जिस तरीके की जिरह देखने को मिली। वकील जो वरुण धवन थे उन्होंने कहा कि देखिए जो जिस तरीके से राजीव धवन ने पेपर फाड़े वो कहीं ना कहीं से उनके उनकी मानसिकता को दर्शाता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई वो भी नाराज थे। और ये माना जा रहा था, देखिए आप वक्त देख लीजिए, सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है, सब कुछ फिक्स टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है और ये जो तय था वही हुआ और कहीं ना कहीं से लॉक कर दिया गया, अब सुरक्षित कर दिया गया है फैसला, अब 23 दिनों के अंदर इसका फैसला आएगा और मुमकिन है कि उस फैसले को लेकर तमाम पक्षों के लोग जो है वो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। हम कोशिशें करेंगे कि तमाम लोगों से बातें भी करें, हम जाने कि आखिर उन लोग क्या क्या ये जो इस बड़े मसले पर जिस तरह की बहस चल रही थी जब तमाम चीजें हो गई, अब ये कह दिया गया है 23 दिन में फैसला आएगा, कैसे देखते हैं? देखिए फैसला आएगा, 130 करोड़ लोगों के लिए फैसला होगा, एक अच्छा फैसला होगा, न किसी की हार होगी न किसी की जीत होगी, भारत की जीत होगी, देश जीतेगा, भारत की संस्कृति यहाँ की सभ्यता सब जीतेगी, एक एक हिंदू एक एक मुसलमान इससे मुतमईन रहेगा फैसले से। एक ऐसा निर्णय जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत वक्त लगा दिया इसके अंदर, दूरियां बहुत बढ़ी और नफरतें बढ़ गई हैं,
इन्हें कम करने का एक ही एक तरीका है, इस मुद्दे को हल करने की तरफ आगे बढ़े हैं और इसको बहुत जल्द मुकम्मल करके जो है इस मुद्दे को हल कर लेंगे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर है कि तमाम जो लोग हैं वो लोग भी मानते हैं कि इस मुकदमे का हल निकलना चाहिए। ये जो बड़ा मुकदमा कई सालों से, आप सोचिए कई सालों से ये चला रहा है, उसका फैसला होना चाहिए और फैसले के लिए ही तमाम तरह की कोशिशें और कवायदें हो रही हैं और इसीलिए ये माना जाता है। देखिए हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि ये है न्याय का मंदिर है, यहीं से ये तमाम चीजें होनी है, इस न्याय के मंदिर से ये फैसला होना है और ये अब माना जा रहा है कि 23 दिनों के अंदर अब ये फैसला होने वाला है और जितने भी दलीलें हैं, जितने भी पेशकश हैं, तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम पक्षकार भी हैं जो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो फैसला आने वाला है वो 130 करोड़ लोगों के लिए फैसला आ रहा है, न ये हिंदू पक्ष के लिए आएगा न मुस्लिम पक्ष के लिए आएगा। चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट रखी गई थी उसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है कि क्या अंतिम फैसले में उसको कंसिडर किया जाएगा या नहीं। बिल्कुल आपने देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ज्यादा सवाल किया और ये सबसे बड़ी चीज है कि इसी बात को लेकर हमने भी सवाल किया वकील से, जो उनके जो रामलला के वकील हैं उनसे हम जब ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखिए उन चीजों को ये सुप्रीम कोर्ट पर डिसीजन है कि वो किस तरीके से चीजों को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि पेपर जमा करने की बात है। अभी मैंने वही बताया आपको कि 3 दिनों का वक्त निर्धारित किया गया है कि 3 दिनों के अंदर अगर कोई टेक्निकलिटी है, कोई पेपर है तो वो भी आप उसको जमा कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि इस पेपर की जरूरत है उसको आप जमा कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में और स्टार वो फिर तमाम चीजों को देंगे। देखिए जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो ये फैसला दिया, जो खास तौर पे जो उन्होंने लिख के दिया वो दिया, वहां पे जो पंच थे, जो तीन पंच, जो पंचों की कमेटी बनाई गई थी उसमें से एक पंच थे पंचू, उनको दिया उन्होंने और वो कहीं ना कहीं से उनके हवाले से ये बात थी कि आप इसको ले जाइए और आप हमारी तरफ से आप ये कह दीजिए कि हम उस जमीन को, हम विवाद को जो है हम खत्म करना चाहते हैं, हम उस जमीन का हक, मालिकाना हक जो है वो हम वापस करना चाहते हैं, हम अपने केस को भी वापस लेना चाहते हैं, ये उन्होंने पेशकश की थी। लेकिन वो पेशकश के जरिए, क्योंकि रिपोर्ट जो तीनों पंचों की थी वो सबमिट हो गई रजिस्ट्रार ऑफिस में और रजिस्ट्रार ही उस रिपोर्ट को ले जाकर वहां पहुंचाएंगे जहां उनको भेजना है। मतलब साफ तौर पे जो 5 जजों की खंडपीठ है उनके पास ये फैसला ये जाएगा और उनके पास वो रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद ये होगा कि आखिर चीजें क्या होती है। मतलब ये है कि अब आप ये समझ सकते हैं कि इस ये जो न्याय का मंदिर है इस पर नजरें हमेशा बनी रहेंगी। 23 दिनों तक यहां हलचल ये रहेगा कि 3 दिनों के अंदर क्या क्या होता है, 3 दिनों में कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं, कौन कौन से पेपर ऐसे रखे जाएंगे, कौन कौन सी सारी चीजों को रखा जाएगा, इस पर भी नजरें निगाहें बनी रहेंगी और लगातार ही जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन सी बारीकियां जो इसमें तय की गई है, कौन कौन सी बारीकियों को रखा गया है, कौन कौन से मसले और मसाइल इसमें शामिल किए गए हैं, कौन लोगों ने किसने तरीके से जिरह किया है। बिल्कुल, आसिफ बने रहिए, आप कुछ लोगों के पास पहुंचिए, बात करेंगे, आपके पास दोबारा लौटेंगे। 2 मिनट के बीच में आपसे लौट रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं एक बार फिर से, 40वें दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है सुनवाई और अब इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 23 दिन अब से लेकर 23 दिन के अंदर यह फैसला देश की जनता के सामने होगा। 6 अगस्त से लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, 40वां दिन था और इस 40वें दिन सुनवाई खत्म होने के बाद 23 दिन और इंतजार। 23 दिन के इंतजार के बाद ये देश के सबसे बड़े मामले को लेकर, सबसे बड़े विवादित मामले को लेकर फैसला आने जा रहा है। दशकों के बाद फैसले की घड़ी सामने आ रही है और हमारे साथ लगातार बने हुए मिथिलेश पांडे एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। मिथिलेश पांडे जी, 23 दिन का इंतजार और रह गया है, आपने भी सुना अभी जो सारी बातें हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और सारी सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब किसी के पास कोई और मलाल ना रहे कि मैं ये बोलना रह गया, ये डॉक्यूमेंट जमा करना रह गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और मौका दिया है कि 2-3 दिन के अंदर अगर कोई पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई तथ्य है या कोई मीडिएशन जो उनका पैनल है, मीडिएशन पैनल का कोई विचार है तो वो रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में जमा कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जो जज के 5 जजों की जो बेंच है वो कंसिडर करेगी। और आज जो है वो संपूर्ण हो गया, 40 दिन पूरे हो गए। जी, बात पूरी करिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो अपने कदम पीछे हटाए हैं तो उसको ऑफिशियली पीछे हटा सकती है, इसके लिए रजिस्ट्री खुला हुआ है और रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट जाके बोल, सुन्नी वक्फ बोर्ड बोल सकती है कि हमने इस मामले से अपने आप को दूर रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन फिर कल को कोई ये ना बोले कि सुन्नी वक्फ बोर्ड मिला हुआ है या किसी दबाव में है या किसी प्रेशर में ये कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ये सारा कुछ मेरिट पर रखा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जय श्री राम के भक्त हैं और मैं भी कहना चाहता हूँ जय श्री राम।
आपकी भी जो जो टेंट के दिन थे वो ख़त्म होने वाले हैं और मेरिट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय फैसला आपके हक में करने वाला है। इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई, जो भी एक वकील साहब ही बता रहे थे और तमाम पक्षकार ही बता रहे हैं कि ये 125 साल पुराना मामला, मतलब 1885 में निर्मोही अखाड़ा फैजाबाद जिला कलेक्ट्रेट में जाता है और 1885 से शुरुआत होती है इस मुकदमे की और ये 2019 में ख़त्म हो रहा है। जब इसका हम तालमेल बैठाएंगे तो जब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की राजनीति शुरू की तब इस मामले ने तुल पकड़ा और आज जब कांग्रेस भी अपने अवसान की तरफ है, आज जब कांग्रेस खत्म होने कगार पे है, तो यह इतना पुराना विवाद भी आज निर्णायक मोल पे पहुंच गई है। एक तरफ कांग्रेस खत्म हो रही है, आपने नया एक तरफ पुराना विवाद खत्म हो रहा है। अब हिंदू मुस्लिम के पास ये अवसर है कि कांग्रेस विहीन हिंदुस्तान में मिलजुल के रह सकते हैं और ये विवाद को भूल के एक स्वर्णिम युग का शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वकील साहब इसमें आपने कांग्रेस का एंगल जरूर ढूंढा है, लेकिन इससे इत्तेफाक कितने लोग रखते हैं ये बात की बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे विवाद को लेकर, सबसे बड़े विवादित बयान पूरे विवाद को लेकर अब 23 दिन का इंतजार और होगा। ये जो आज के दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा जो मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट रखी गई है, आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर कुछ कंसीडरेशन करेगा कोर्ट अपने फैसले को लिखते समय, क्योंकि 3 दिन का वक्त अभी भी है डॉक्यूमेंटेशन? बिल्कुल, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में ऐसा किया है। हम लोग भी जब सुप्रीम कोर्ट में जब बहस करता हूँ, हाई कोर्ट में, एक मिनट रुक जाइए, आसिफ की तरफ चलते, आसिफ के साथ कुछ लोग जुड़े हुए। आसिफ, बिल्कुल देखिए, हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, उस कोर्ट में पूरे जिला में रहे हैं, शामिल रहे हैं, क्या हुआ, किस तरीके से चीजें हुई हैं, क्या टेक्निकलिटी समझाइए। देखिए, मैं तो पूरे 40 दिन सुनवाई में था और मैं शिया वक्फ बोर्ड के लिए इसमें वकील भी हूँ। 3-4 बातें हैं जो, एक तो हिंदू पक्ष की दलील है कि वहां पूजा अनवरत हुई है, वो मंदिर था तब भी वहां पूजा हुई, जब वो मंदिर तोड़ दिया गया तब भी वहां पूजा होती रही और आज भी वहां पूजा हो रही है, अनवरत ही। नमाज वहां कुछ दिन के लिए बीच में पढ़ी गई, उसके बाद कभी नहीं पढ़ी गई। तीसरी बात, जो शरिया कहता है, जो इस्लामिक, मैं इसमें शिया वक्फ बोर्ड का वकील हूं, जो हमारी अपनी दलील ये है कि कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है कि किसी के दूसरे धर्म के स्थान पे, धार्मिक स्थान पे तोड़ के वहां मस्जिद नहीं बन सकती है। और हमने उसमें उदाहरण भी दिया है कि एक बार प्रॉफेट मोहम्मद खुद जा रहे थे मदीना में, तो वहां पे थोड़ी जमीन थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक मस्जिद बनाना है, तो उसको, उस जमीन को उन्होंने सीधे मस्जिद नहीं बना दिया, पता किया वो जमीन किसकी है, उसके बाद उससे जमीन खरीदी और खरीद के तब मस्जिद बनाया, जो मदीना जो मस्जिद बनी है वो भी। अब सिया बोर्ड के हैं तो एक सवाल आपसे बड़ा लाजमी है कि आप, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी आज आप पहल कर दी कि भाई हम भी अधिकार देते हैं, तो आप लोग को क्या लगता है कि ये टेक्निकलिटी क्या है उसमें? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उन्होंने मीडिएशन वालों को दिया है, लेकिन मीडिएशन का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। आज जब अभी सुनवाई के दौरान अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया होता तो शायद उसका कुछ भी इफेक्ट होता, तो मुझे लगता है कि आईवाश है ये कोई, इसका कोई लॉजिकल कोई वो नहीं है, कोई आधार नहीं है। फैसला रिजर्व हो चुका है, अब उसका कुछ ही नहीं बनता है, अब तो अभी जो मेरिट पे केस सुना गया है उसी का आधार। रिटर्न सबमिशन अगर कोई पक्ष करना चाहता है लिखित में दे सकता है, तो दिया जाएगा, तो कहता है तो उसको स्वीकार किया है, सब जो कर रहा है जज वो ठीक कर रहे हैं। और जो सर विपक्ष के जो वकील हैं वो अभी भी कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वो उनका पक्ष सही है, कैसे वो मानते हैं सही, तो वो जाने ना जज जाए, जो अपना पक्ष तो जज के यहाँ रखे, हमारे के यहाँ तो रखे नहीं है, हमारे के तरफ से तो है कि राम जी के मंदिर बने। कैसे नहीं सही है, जज साहब से पूछ लीजिए, हमारे वकील ही है सबसे, बीरेंद्र चौबे जज साहब, जो का नाम है सिविल फैजाबाद में जज रहे, अब उसके बाद में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनसे पूछना हो तो पूछ लीजिए। जी हाँ, तो अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से विशाल रघुवंशी हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, अयोध्या में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सुनवाई खत्म हो चुकी है और फैसले का इंतजार है। देखिए, बिल्कुल सुनवाई खत्म हो चुकी है और फैसले का इंतजार है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस वक्त तमाम जो अयोध्या के जो साधु संत हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले सत्येंद्र दास जी से रूबरू होते हैं, मुख्य पुजारी हैं रामलला जी के। अयोध्या की जो सुनवाई थी वो खत्म हो चुकी है, क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, उम्मीद उस दिन बढ़ गई जिस दिन की सुप्रीम कोर्ट ने निश्चय किया कि प्रतिदिन सुनवाई होगी, यही मांग रही
कि प्रतिदिन सुनवाई करके इसका निस्तारण किया जाए। और ये समस्या बहुत कठिन है और इस कठिन मुकदमे को और आत्मबल के साथ आत्मशक्ति जब होती तभी निर्णय हो पाता है। और उसने 5 अगस्त से शुरू किया और आज निश्चय कर दिया कि आज के बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, सारे जितने दलीलें समाप्त हो गए हैं, अब केवल आर्डर आना है। और आर्डर किस पक्ष में कब आता है इसको देर नहीं लगेगी। हमको अपना विश्वास है और आत्मबल है और इस विश्वास के साथ कहता हूँ कि वह जो आदेश होगा सुप्रीम कोर्ट का वो रामलला के पक्ष में आएगा और रामलला जल्दी से जल्दी टाट पट्टी से उठ करके भव्य मंदिर विराजमान होंगे। संतोष दुबे जी भी उनसे बात करते हैं, कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है। खत्म हो गई है यानी रामलला के मंदिर का रास्ता साफ हो गया है, फैसला आएगा आप देखिएगा। और क्या आएगा, फैसला तो रामलला के पक्ष में आएगा क्योंकि राम जन्मभूमि है, राम अवतरित हुए हैं, ये स्कंद पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, भागवत महापुराण सब जगह वर्णन है, तो इससे हटकर थोड़ी कुछ हो सकता है। रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ केवल मंदिर बनेगा। और वही कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हम सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा में पहुँचते हैं, वहाँ बात करते हैं। ख़त्म हो गई है सुनवाई, अब खत्म हो जो सुप्रीम कोर्ट से जो बहस वाला काम लगा पूरा हो चुका है, अब कोई निर्णय होने वाला ही है। तो वहाँ राम जी विराजमान है, अनादिकाल से हैं, वहाँ पूजा पाठ चली रही तो उसमें हम लोगों को हमेशा सफलता मिलेगा। हम लोग बनाने के लिए बिल्कुल सक्षम हो चुके हैं, सब हिंदू एक हो चुके हैं। राजूदास जी हैं, उनसे बात करते हैं, हनुमानगढ़ के पुजारी हैं, क्या कुछ उम्मीद है? उम्मीद हम लोग शुरू से यही करते चले आ रहे हैं कि जहां रामला विराजमान है वहां भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी था और उसके नाम पर मस्जिद वहां बनी, जबरदस्ती बाबरों ने वहां पर मस्जिद बनाई। तो अब ये मुझको उम्मीद उच्चतम न्यायालय पे और उच्च न्यायालय पे शुरू से ही था, अब मामला मुझको लगता है कि फाइनल हो चुका है और भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा, ये विश्वास है। बिल्कुल विशाल, जो लोग हैं ये विश्वास नजर आ रहा है, ये विश्वास बता रहा है कि कितने ज्यादा जबरदस्त तरीके से सुनवाई के खत्म होने के बाद अब फैसले का इंतजार हो रहा है। 2 मिनट का ब्रेक, तुरंत लौटते हैं और आप सबसे बात करेंगे, अयोध्या भी चलेंगे और दिल्ली भी। आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए सुप्रीम कोर्ट के बाद से, छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।